सिद्धार्थनगर के मिठवल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मिठवल बुजुर्ग में एक बड़ा मामला सामने आया है। बिना कार्य कराए ही धन को निकाल लिया गया। शिकायतकर्ता ने जनसेतु न्यूज चैनल से डायरेक्ट बात की। शिकायतकर्ता ने कई ऐसे मामले बताए जो हैरान कर देने वाले हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैंने डीएम साहब को एक शिकायती पत्र देकर शिकायत भी की है, और क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता का, ये सुनाते हैं आपको शिकायतकर्ता की जुबानी। मेरा नाम मणिराम पुत्र वलकरण है, ग्राम निवासी मिठौर, बुजुर्ग, तहसील वासी, परगना वासी पूरा का मैं निवासी हूँ। मैं डीएम साहब को एक शिकायती पत्र दिया था प्रधान और सेक्रेटरी के सचिव के जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें तमाम अनियमितताएं हैं। मौजूदा प्रधान कौन है? मौजूदा प्रधान गायत्री देवी। तो क्या उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया? हाँ। किसके संबंध में किया गया है? भोला यादव के घर से और राजदेव के घर तक 3,07,00,000 रुपया पास हुआ है। बजट लागत 3,80,593 रुपए निकाल लिया। ग्राम पंचायत में डस्टबिन हेतु 1,64,628 रुपया निकाल लिया गया है। ग्राम सभा में एक भी डस्टबिन नहीं है। अरे देखे जो ग्राम पंचायत में डस्टबिन है, ग्राम पंचायत में कार्यालय स्थापना कराया 70,000, अनुमानित लागत 11,00,000। इसमें पंचायत भवन अभी अधूरा है, उसका छत भी नहीं लगा। पंचायत भवन में टेबल चेयर साउंड आ रही है तो 51,170 रुपया निकाल लिया गया। प्राथमिक पाठशाला में निर्माण कार्य 1,00,000। ग्राम पंचायत में पार्क निर्माण कराया, अनुमानित लागत 15,00,000, निकाला गया 1,63,076 रुपए, और पार्क कहीं भी उपलब्ध नहीं। मैंने डीएम साहब को एक लिखित प्रार्थना शिकायती पत्र दिया है।